ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज। आज हम लोग क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, इलेक्ट्रिसिटी को चैप्टर को डिस्कस करने के पहले, है ना, हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी नाम तो पहले सुना हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, करंट क्या होता है, ठीक है। बस उसी करंट के बारे में बात करेंगे, करंट कैसे फ्लो होता है, किसमें फ्लो होता है, ठीक है, और क्यों फ्लो होता है, ठीक है। ये सारे जो हमारे मन में डाउट है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, वो आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इट, चलो तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ही हमारे मन में एक वर्ड आया कि इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन किया जाएगा, देखो इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन किया जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन किया जाएगा, देखो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग समझते हैं। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। व्हाट इट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, डेफिनेशन। अब इसको समझते हैं, क्या बोल रहे हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट तक तो हमको समझ में आ गया सर, अमाउंट क्या होता है, ठीक है, लेकिन सर ये जो वर्ड है ये क्या होता है, ये चार्ज है। देखो चार्ज दो टाइप के हमारे पास, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है और एक होता है हमारा नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आता कहाँ से, हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था 9th क्लास में, आपके सिलेबस में था साइंस में, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर थे, उनमें क्या था कि जो उसका एलिमेंट का न्यूक्लियस था, उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और उसके आसपास क्या रोटेशन करते हैं, क्या रिवॉल्व होते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास क्या होते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो रास्ता है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने का, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने का जो रास्ता, उसको क्या बोलेंगे हम, शेल बोलेंगे या फिर ऑर्बिट बोलेंगे, ठीक है ना। तो अब आपको पता चल गया होगा कि सब चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। व्हाट इट, बस यही चार्ज क्या होता है किसी कंडक्टर के अंदर, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, ये क्या होता है कंडक्टर के अंदर फ्लो होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं आपसे, वायर है, आपको पता है इसके अंदर चार्जेस है, वायर है, वायर के अंदर चार्ज होता है, कॉपर वायर के अंदर मैं बात करूं, कौन सा वायर, कॉपर वायर, तो कॉपर वायर के अंदर आपको पता है, यू नो वेरी वेल कि इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो हो सकती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर फ्लो हो सकती है। अब आपको मालूम, आपको ये भी पता है कि सर इसके अंदर चार्जेस भी होते हैं, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स 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 ऑर्बिट में इसमें रोटेट होते रहते हैं, ठीक है। अब जब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रोटेट हो रहे हैं तो क्या ये ऑटोमेटिकली अब आप इस वायर को ऐसे रख दोगे, ठीक है, वायर आप मार्केट से परचेस करके लेके आए, उसको आपने इसे घर पे टेबल पर आके रख दिया, तो क्या इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है ना, नहीं होगा इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर से फ्लो होना स्टार्ट। कब तक नहीं होगा, जब तक आप इसके एंड्स पर, जब तक आप इसके एंड्स पर क्या ना कर दो, या तो सेल ना लगा दो या फिर बैटरी ना लगा दो, ठीक है ना। यानी कि सेल और बैटरी क्या करेंगे, सेल और बैटरी प्रेशर क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाएंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाएंगे। कौन करवाएगा इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो, कौन प्रेशर क्रिएट करेगा, सेल करेगा या फिर बैटरी करेगा, ठीक है ना। मतलब यही चार्ज क्या होगा, किसी भी वायर के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्लो होगा, बस इसी चार्ज की वजह से ही उस वायर में, उस कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बस अब हम इसी डेफिनेशन को मैथमेटिकल टर्म में अगर लिखना चाहें, इसी डेफिनेशन को मैथमेटिकल टर्म में अगर मैं लिखना चाहूंगा, तो यहां पर आपका जो चार्ज होता है ना, जो चार्ज होता है उसको क्यू से डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है, क्यू से डिनोट किया जाता है। व्हाट इट, टाइम तो पढ़ा था हम लोगों ने, टाइम को टी से हम डिनोट करेंगे, ठीक है, और अगर टाइम को किससे डिनोट किया जाता है, यू नो वेरी वेल इट इज डिफाइंडेड बाय टी। व्हाट इट, चार्ज को क्यू से डिनोट किया जाता है, टाइम को टी से डिनोट किया जाता है। एक और चीज है जो करंट होता है, जो
करंट होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, करंट जो फ्लो होगा इसकी वजह से फ्लो होगा, चार्ज की वजह से फ्लो होगा, तो जो चार्ज फ्लो होगा करंट प्रोड्यूस होगा, करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। तो हम एक सर्किट सपोज कर लेते हैं, एक सर्किट बनाते हैं जिसके अंदर करंट फ्लो होगा, ठीक है। सपोज करो मैंने एक वायर लिया, एक कंडक्टिंग वायर लिया, अब इस कंडक्टिंग वायर में आपको पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके अंदर फ्लो करंट फ्लो होगा, लेकिन इसके अंदर इस वायर के अंदर करंट को फ्लो करवाने के लिए मुझे इसमें बैटरी लगाना पड़ेगी। बैटरी के सिंबल्स लोअर क्लासेस भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बैटरी और सेल के सिंबल्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैंने एक सेल और बैटरी इसके अंदर लगाई, तो एक सेल और बैटरी मैंने लगाई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं क्या बना रहा हूँ यहाँ पर, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहा हूँ, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या फ्लो करवा रहा हूँ, करंट को फ्लो करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने बनाया, इलेक्ट्रिक सर्किट, और यहाँ पर हो जाएगी आपकी प्लग की, ठीक है, ये ऊपर गया, और यहाँ पर मैंने बल्ब को जोड़ दिया, गॉट इट, ओके। अब देखो ये जो मैंने बनाया है, ये क्या बनाया, अब करंट को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें अंदर एक अमीटर भी लगाएंगे, क्या लगाएंगे इसमें, अमीटर लगाएंगे, ये अमीटर मैंने लगाया, गॉट इट। तो ये जो मैंने बनाया ना डायग्राम, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट, क्या है ये, इलेक्ट्रिक सर्किट, गॉट इट, ठीक है। बैटरी को लगाई, आपको पता है कंडक्टर है, चार्जेस ऑलरेडी अवेलेबल है, इसके अंदर चार्जेस है, लेकिन उन चार्ज को फ्लो करवाने के लिए, यानी कि प्रेशर को क्रिएट करने के लिए, प्रेशर को क्रिएट करने के लिए हमने क्या लगाया, बैटरी लगाया, प्रेशर क्रिएट होगा तभी तो चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होगी, गॉट इट, ठीक है ना। लोअर क्लासेस में पढ़े था, आप लोगों को सर्किट पढ़ा है, क्या पढ़ा कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, और कहाँ जाएगा, जो हमने यहाँ बल्ब लगाया है उसके अंदर बल्ब को ग्लो कर देगा, ठीक है ना। क्या करेगा, ये बल्ब को ग्लो करेगा, क्योंकि करंट आया बल्ब को ग्लो करेगा, और ये करंट फिर से आपका बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगा। दिस इज द सर्किट, ये क्या है, सर्किट डायग्राम है, किसका, किसका, इलेक्ट्रिक करंट का सर्किट डायग्राम, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, तो यहां पर ये तो बैटरी हो गई, ये क्या प्रोड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। बैटरी चार्जेस को फ्लो करवा रही है, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को मैथमेटिकल टर्म में अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, करंट इज इक्वल टू, देखो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर, हां इस लाइन का देखो मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर एरिया का मतलब क्या, कि वायर का एक पर्टिकुलर एरिया ही लेना है, आप लोगों को करना है वायर का पर्टिकुलर एरिया, वायर को अगर आप पतला या मोटा करोगे तो करंट के अमाउंट पर फर्क आएगा, उसमें क्या आएगा, या तो करंट ज्यादा हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। अब ज्यादा होगा या कम होगा ये अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज मतलब ये क्यू फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, मतलब हमारा ओवरऑल जो करंट का फॉर्मूला बनता है, यानी कि आई का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, आई इज इक्वल टू क्या होगा, टी अपॉन क्यू अपॉन टी, ठीक है ना, वेयर आई इज इक्वल टू करंट एंड क्यू इज इक्वल टू चार्ज एंड टी इज इक्वल टू टाइम, गॉट इट। चलो अब सर ये फॉर्मूला तो बन गया, अब आपको पता है कि फिजिकल क्वांटिटी से सारी, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, तो इन क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, सारी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, चार्ज को भी मेजर कर सकते हैं, करंट को मेजर कर सकते हैं, टाइम तो ऑलरेडी मेजर है, सेकंड में मिनट में या फिर आवर में लेते हैं, तो ये सारी इनकी फिजिकल क्वांटिटी है, तो इनकी यूनिट्स भी होती है, क्या होती है, इनकी यूनिट्स भी होती है, तो यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंथ में हर साल क्वेश्चन आता है यूनिट्स से कि इसकी यूनिट बताओ, तो आप लोगों को क्या करना है, यूनिट ध्यान रखना है, कि करंट का फॉर्मूला तो सर आपने बताया Q अपॉन T होता है, गॉट इट, याद रखना करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है, क्या होती है, एम्पियर होती है, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम होती है, गॉट इट, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम होती है, टाइम की क्या होती है, आपकी सेकंड होती है, गॉट इट। रिमेंबर the unit of the physical quantities whatever you are studying, got it। तो ये थी electric current, ठीक है, अच्छा ठीक है ना, ये circuit diagram था। चलो अब
ये तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हो गया, Q = Q/D हो गया, ठीक है। अब देखो इस डेफिनेशन को और कैसे राइट कर सकते हैं, इस डेफिनेशन को कैसे, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया, यानी कि इस डेफिनेशन को मैं ऐसे भी राइट कर सकता हूँ सर, इस फॉर्मूले से क्या राइट कर सकता हूँ, इस डेफिनेशन को मैं ऐसे भी राइट कर सकता हूँ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज द इलेक्ट्रिक करेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज के फ्लो होने का एक यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होगा वही क्या होगा हमारा करंट। व्हाट इट, चलो और चीज याद रखो, और क्या याद रखना है आप लोगों को, और क्या, तो चार्ज की बात हो गई। आप लोगों को पता है कि दो चार्ज होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है सर, आपने बताया था, ठीक, और एक होता है कौन सा चार्ज, एक होता है हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ क्या होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹। ये प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होते हैं, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होता है, प्रोटॉन के ऊपर होता है, ठीक है ना। तो ये प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर कितना होता है, +1.6 × 10⁻¹⁹। ऐसे ही अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹। दोनों में क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा -19 माइनस में होगा, और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। चार्ज की यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्या चार्ज की यूनिट होती है, कूलॉम होता है, गॉट इट। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट, इन इलेक्ट्रिक करंट की पूरी डेफिनेशन। इसमें आपको सबसे पहले डेफिनेशन राइट करना, डेफिनेशन के बाद आप लोगों को फॉर्मूला राइट करना है, फॉर्मूले के बाद ये सारी चीजें भी एक्सप्लेन करना होगी उसमें, गॉट इट। नेक्स्ट अब हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट को डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे कि अभी सर्किट मैंने बनाया था ना अभी सर्किट, गॉट इट। देखो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, अभी जस्ट मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट आपको बना के दिखाया था कि सर एक बैटरी होती है, वायर, उस बैटरी को क्या कर दो, वायर से कनेक्ट कर दो, तो बैटरी को वायर से कनेक्ट करो, और हम क्या चलाना चाहते हैं सर, बल्ब को ग्लो करना चाहते हैं, ठीक है, और करंट को मेजर करने के लिए क्या करेंगे हम, ये लगाएंगे एमीटर, ठीक है, करंट इधर से इधर इसमें होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनाया मैंने, सर्किट बनाया, ये क्या बनाया, सर्किट बनाया। तो देखो इसको ध्यान से देखो आप, इस सर्किट को, ये सर्किट क्या कर रहा है, ये सर्किट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या कर रहा है, ये देखो करंट ये करंट इसमें भी क्या हो रहा है, करंट हो रहा है। तो ये करंट के फ्लो होने का रास्ता है, ठीक है, मतलब इसी रास्ते से, इसी पाथ से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। यानी कि वी कैन से दैट व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट, द पाथ ऑफ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं हम, पाथ ऑफ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पाथ ऑफ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, मतलब इसी पाथ को, जिस पाथ से आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे, बट इट। चलो अब इलेक्ट्रिक सर्किट तो यहां पर हो गया, ठीक है, इतनी बात भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वांटिटी, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट फिजिकल जो क्वांटिटी होती है सर्किट के अंदर, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, नेक्स्ट होती है आपकी पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ध्यान से देखना,
आपके पास एक ट्यूब है, क्या है ट्यूब, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा वाटर फ्लो करने का जो ट्यूब आती है नली आती है ना वो आपके पास, ठीक है। अगर वाटर फ्लो करने की आपके पास नली है ट्यूब है, ठीक है, इस ट्यूब को आपको क्या करना है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल क्या करना हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल आप करना, ठीक है, कहीं से भी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, मुड़ी भी नहीं होनी चाहिए, यहाँ से भी नहीं होनी चाहिए, यहाँ से भी नहीं होनी चाहिए, ठीक। सपोज करो इसे वाटर है, वाटर है, तो क्या किसी भी एंड से इसके अंदर से वाटर बाहर निकलेगा, किसी एंड से वाटर के बाहर निकल सकता है, ठीक है, निकल सकता है, नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि सर ये तो हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल वाटर को बाहर निकालने के लिए मुझे इस ट्यूब को क्या करना होगा, या तो इस ट्यूब को मुझे क्या करना होगा, या तो इधर से मुझे इसको टिल करना होगा, या फिर इस एंड से इसको टिल करना होगा। सपोज करो मैं इस ट्यूब को इस एंड से क्या कर रहा हूँ, टिल कर रहा हूँ, इस एंड से इसको क्या कर रहा हूँ, मोड़ रहा हूँ, इसको इधर से उठा रहा हूँ, तो जैसे ही मैं इसको इधर से उठाऊंगा तो इस एंड पर, इधर से उठाने पर इस एंड पर प्रेशर क्रिएट होगा, इस एंड पर क्या होगा प्रेशर क्रिएट होगा, तो इस एंड पर अगर प्रेशर क्रिएट होगा तो वाटर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा इस ट्यूब में, व्हाट इट, कौन सा एंड उठाया मैंने, इस वाले एंड को थोड़ा सा मैंने क्या किया अपवर्ड, अप किया, उठाया, टिल्ट हो गई, टिल्ट होने से इस एंड पर प्रेशर क्रिएट हुआ, प्रेशर क्रिएट हुआ तो वाटर फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो यहां पर जो प्रेशर हुआ था, यहां पर जो प्रेशर क्रिएट होता वो तो बोल दिया आपने वाटर प्रेशर, ठीक, क्या है वाटर प्रेशर। सेम एज, सेम एज अगर मैं एक वायर ले लेता हूँ, क्या करता हूँ वायर ले, इसके अंदर हमारे क्या बहुत सारे चार्जेस है, यही जो चार्जेस है, यही चार्जेस क्या होते हैं, यही चार्जेस को मुझे क्या करवाना है, फ्लो करवाना है। तो जैसे ये हॉरिजॉन्टल थी ना, जैसे ये हॉरिजॉन्टल थी, जैसे हॉरिजॉन्टल थी, इसके अंदर से वाटर फ्लो नहीं हो पा रहा था, सेम टू सेम यहाँ पर हमारा क्या कंडक्टर है, क्या है कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में ऐसे ही आप वायर को ला कर रख दोगे, उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होगा, हमको क्या करना होगा प्रेशर क्रिएट करना होगा। इसका मतलब उसी प्रेशर को जो हम कंडक्टर के अंदर क्रिएट कर रहे हैं, उसी प्रेशर को जो कंडक्टर के अंदर क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि इस एंड पर प्रेशर और इस एंड पर प्रेशर, जैसे कि इस ट्यूब के अंदर देखो यहाँ प्रेशर क्या हो गया था कम, नहीं सॉरी ज्यादा हो गया था, तो यहाँ प्रेशर क्या हो गया कम था, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, यहीं पर हमको क्या करना होगा इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने के लिए बैटरी लगाना होगा, बैटरी लगा देंगे, जैसे ही हम लोग इसमें बैटरी का अरेंजमेंट कर लेंगे हमारा करंट क्या हो जाएगा फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि क्या हुआ दोनों एंड्स पर प्रेशर क्रिएट हो गया, दोनों एंड्स पर क्या हो गया प्रेशर क्रिएट हो गया। बस इसी प्रेशर को फिजिक्स की लैंग्वेज में इसमें इलेक्ट्रिक करंट में पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है ना, डिफरेंस का मतलब इस एंड पर और इस एंड पर क्या हुआ हमारा प्रेशर अलग अलग है, व्हाट इट, इसका करंट का प्रेशर। आप लोगों ने पढ़ रखा है, क्या क्या पढ़ रखा है कि हायर से लोअर की तरफ, हायर से लोअर की तरफ प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, इतनी बातें सभी को समझ में आ गई होगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये भी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। चलो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग ना इससे कैपिटल वी से डिनोट करेंगे, ठीक है, इससे डिनोट करेंगे कैपिटल वी से। मैथमेटिकल की अगर टर्म में बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा वर्क डन, ठीक है, वर्क डन मतलब डब्ल्यू और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा चार्ज, यानी कि क्यों अभी बताया था चार्ज से डिनोट किया जाता है, क्यों से डिनोट किया जाता है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या है बी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा वर्क, और ये क्या हो जाएगा क्यू, ठीक है, ये चार्ज हो गया, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को उस तरीके से आपने समझा इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कैसे समझ सकते हैं, ठीक है, अगर मैं 1 वोल्ट, ठीक है, अगर मुझे किसी वायर के अंदर 1 वोल्ट पोटेंशियल को क्रिएट करना है, प्रेशर क्रिएट करना है, तो मुझे क्या करना होगा 1 जूल वर्क करना होगा, क्या करना होगा 1 जूल वर्क करना होगा, 1 जूल वर्क क्यों करूंगा, क्योंकि तो मुझे कितना चार्ज मूव करवाना है 1 कूलॉम चार्ज मूव करवाना है, ठीक है, 1 कूलॉम चार्ज, ठीक है ना, तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर बुक, क्या है व्हाट डू मीन बाय द 1 वोल्ट, 1 वोल्ट मींस क्या होता है कि 1 कूलॉम चार्ज को मूव करवाने के लिए, 1 कूलॉम चार्ज को मूव करवाने के लिए हमको 1 जूल काम करना होगा, यानी कि 1 जूल इसमें अंदर वर्क करना होगा, तो दिस कितना पोटेंशियल क्रिएट होगा 1 वोल्ट का पोटेंशियल इसके अंदर क्रिएट होगा, ठीक है ना, यानी कि पोटेंशियल का जो ऐसा यूनिट की अगर मैं बात करता हूँ कि सर ऐसा यूनिट क्या होगी पोटेंशियल डिफरेंस की, ऐसा यूनिट आपकी क्या होती है सर वोल्ट, क्या होती है वोल्ट होती है, ध्यान रखो वर्ट इट, वर्क की तो आपको पता ही है कि वर्क की क्या होती है, वर्क की पढ़ रखा है आपने, तो
ठीक है ना, जो होती है इसकी क्या होती है सर, ये तो हमारा चार्ज होता है, इसकी क्या होती है चार्ज की यूनिट, चार्ज की यूनिट होती है कूलम होती है, गॉट इट। ठीक है, आई होप यू हैव बेटर अंडरस्टैंड। ठीक है, आगे का जो भी लेक्चर है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।